मैडम बताएंगे, आज ये किलकारी सेंटर का उद्घाटन न्यायालय में किया गया है, इससे इसका मेन उद्देश्य क्या है और इससे बच्चों को क्या प्रॉफिट है? बच्चों यहाँ किलकारी केंद्र का मेन मकसद यह है कि परिवार न्यायालय में आने वाली महिलाएं जिनके साथ बच्चे भी रहते हैं उनको जब न्यायालय में प्रक्रियाधीन रहती है, कार्यवाही चलती रहती है, उस दौरान थोड़ा सा एक कूल वातावरण की आवश्यकता होती है। ये केंद्र उस चीज उनको कूल फील करवाने के लिए, एक अच्छा माहौल देने के लिए महिलाओं और उनके बच्चों के लिए मुख्यतः ये फिटिंग मदर के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ यहाँ वो आराम से रह के निश्चिंत होकर एक अच्छे वातावरण में इस चीज़ को अपना पूर्ण कर सकते यहाँ। और साथ में बच्चे जो हैं वो यहाँ आने से बहुत इतने लंबे समय तक रहने के दौरान उनको कुछ तकलीफें होती हैं, तो खेलने कूदने में उनकी जो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ हैं इसके कारण वो अच्छे से यहाँ रह सकते हैं, उनको परेशानी ना हो सके। कोई अटेंडर भी यहाँ परमानेंट रहेगा मैडम बच्चों के लिए? ये अपने यहाँ से उनके लिए देखने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ व्यवस्था की जाए। साथ में महिलाओं के लिए जो कुछ ऐसी जानकारियाँ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं जो बच्चों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाओं का स्तनपान से संबंधित और किस तरीके से बच्चों की कुपोषण से बच सकते हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन किए हैं। बाहर कुछ कानूनी जानकारियाँ हैं, महिलाओं के लिए कुछ योजनाएँ हैं जो महिला बाल विकास पर संचालित होती है, महिलाओं की इसकी जानकारी भी होगी और बाल विकास से संबंधित भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएँ पीड़ित होती रहती हैं, ये जानकारियाँ भी उनको बहुत आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आपका नाम मैडम? मिस्टर सरकारी राय विश्वास, महिला बाल विकास महिला समिति। सर बताएंगे, आज किलकारी केंद्र का मतलब उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जिला न्यायालय में बहुत सारे पक्षकार आते हैं, इसमें महिलाएं भी होती हैं, साथ में उनके छोटे बच्चे भी होते हैं। महिलाओं को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, ऐसे भी उनके साथ बच्चे जो रहते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी कोर्ट में पुकार होती है तो बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किलकारी सेंटर की स्थापना हुई, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो माताएं आएंगी बच्चों के साथ में, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं लोग, उनको एक अच्छा सा एक कमरा मिल जाएगा जहाँ पर वो बैठ के अपने बच्चों के साथ समय बिता सकती है। कई माताएं ऐसे होती हैं जिनके पास दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, ऐसी माताओं के लिए उनको ये उसकी उपयोगिता जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, थैंक यू। दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।